हेलो एवरीवन <coughs> तो कैसे हो बच्चा लोग सब बढ़िया होंगे ना थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है काम चला लो वीडियो एंड तक देखना आपने बोला था मैम ऑक्जो ऑफ़ फॉस्फोरस पे वीडियो बनाओ हमने बना दी आज हम कुछ ही मिनट्स में पूरे ऑक्जो एसिड सीखने वाले हैं तो देखो मैं आपको पूरी बात सिखाती हूँ हमें पता है एच थ्री पी ओ फोर मेन और फॉस एसिड फॉसफो एसिड मेन है और सिंपल सा है तो इसे कहते हैं ऑर्थो फॉस फोरिक एसिड नाम के आगे एक लगाने का मतलब है ये बंदा अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो कि है प्लस फाइव अगर इतना समझ आया तो थम्स अप ठीक है अगर इससे मैंने एक ऑक्सीजन निकाल लिया तो ये बन जाएगा एच थ्री पी ओ थ्री और इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड और थो। फोरस से बन जाएगा अस फॉस फो रस एसिड अगर ये भी समझ आया तो गिव अ थम्स अप। अच्छा उसके बाद अगर एक और ऑक्सीजन निकाल लिया तो बन जाएगा एच थ्री टू अब नाम क्या आगे आ जाएगा आ हाइपो हाइपो पॉसफोरस एसिड इजी फास्फोरिक एसिड फॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरस तीन हमने सीख लिया। अगर इन भाई साहब को हीटिंग करें और इसमें से एच टू हटा दें, तो हीटिंग करने से कोई भी चीज डबल हो जाती है डबल, डबल का क्या हो जाएगा एच सिक्स पी टू ओ एट और इसमें से एच टू निकालना है तो ये बन जाएगा एच फोर पी टू ओ सेवन बोलो ठीक है क्योंकि हीट कर रहा है तो हीट के लिए लिखते हैं हम पायरो अब बना किससे है फॉस्फोरिक एसिड से तो पायरोफॉसफोरिक एसिड अगर हम इसी की बात करें और आगे बढ़कर <coughs> तो बच्चा इसमें से अगर हीटिंग करके वाटर निकाल दिया तो सिक्स का एच फोर बचेगा पी टू और ओ सिक्स से ओ फाइव बचेगा तो ये बन जाएगा पायरोफॉसफोरस एसिड पायरोफॉसफोरस एसिड इजी बोलो हाँ मैम इजी अब देखो इसके पास अपना हाइपो है पर इसके पास अपना हाइपो नहीं है तो इसने बोला हम भी अपना हाइपो बनाएंगे तो इसने क्या किया एक ओ निकाल दिया तो ये हो जाता है हाइपो फॉस्फोरिक एसिड तो फॉस्फोरिक एसिड का ही डेरिवेटिव ना ठीक है अब मैम इसके स्ट्रक्चर्स बता दो मैम बताएंगी अब इनके स्ट्रक्चर्स तो सीखे बच्चा एक रूल जरूरी है देखो पी बनाओ पांच इलेक्ट्रॉन बनाओ क्योंकि पी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं पांच एक डबल बॉन्ड ओ आना कंपलसरी है एक डबल बॉन्ड ओ आना कंपलसरी है एक डबल बॉन्ड ओ अब कितने एच बचे तीन जो एच हैं वो हमेशा ओ के साथ आएंगे तो चार ओ और तीन एच डन थम्सअप बनाओ दिल बनाओ अगर इतना डन तो अगर इसकी बात करें तो एक दो तीन चार पाँच एक डबल बॉन्ड ओ जरूरी है अब दो ऑक्सीजन बचे और तीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ जाएंगे और ये हो गया हाइड्रोजन बोलो हाँ एच थ्री थ्री सिंपल आसान है इसका बनाओ पाँच एक दो तीन चार पाँच ओ तो आएगा ही आएगा साथ में ओ जाएगा एच के साथ दो तो थे ठीक है अब जो ये ओ OH एच है वो बताते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड ये ओ OH एच है वो बताते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड बताओ क्या बताते हैं लिखो कमेंट बॉक्स में ओ एच OH क्या बताते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड और जो ये एच है जो ये एच है वो बताते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर क्या बताते हैं बच्चा मैम ये बताते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर बोलो ठीक आईना बात समझ रिड्यूसिंग करेक्टर की सामने वाला बंदा कितना रिड्यूस कर सकता है जैसे इसका रिड्यूसिंग करेक्टर दो है और इसकी बेसिसिटी एक है दो रिड्यूसिंग करेक्टर और बेसिसिटी एक है तो रिड्यूसिंग करेक्टर मतलब यहां लिख दे हम रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब है नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच एच नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एच बोलो ठीक और बेसिसिटी uh, का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड ओ एच नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड ओ एच सिंपल यहाँ लिख दिया ओ एच हमें आ गई है इतनी बात समझ अब अगला क्वेश्चन आता है दो और होते हैं अगर हम एच पी ओ थ्री एन लिख दें ठीक है इसी के मैं दो वर्जन बताने वाली हूँ एच पी ओ थ्री थ्राइस और एच पी ओ थ्री एन अगर हम फॉस्फोरिक एसिड से वाटर रिमूव करते जाए और एक पॉलीमर बना दें कुछ बच्चों को पॉलीमर का मतलब नहीं पता होगा पॉलीमर क्या होता है बच्चा पॉलीमर होता है एच टू ओ की चेन आप देखो यहाँ पे ओ एच ओ एच ओ एच बनाने थे अपन को यहाँ पर पी ओ एच देखो <coughs> यहाँ पे भी ओ एच ओ एच ओ एच इसके पास ओ OH, एच इसके पास ओ OH, एच इसके पास ओ OH, एच इसके पास ओ एच सेम इधर जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आए तो यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर हुआ ठीक जब ये वाटर रिमूव होगा तो क्या होगा बीच में एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बचेगा हाँ या ना? देखो देखो यहाँ पे बचा ऑक्सीजन का बॉन्ड तो ये कंडेंस हो रहा है पॉलीमर्स बना रहे एक यूनिट को कहते हैं मोनो मोनो मतलब एक मर मतलब यूनिट और बहुत सारी ऐसे यूनिट चलती चले जाए अब ये आगे वाले से जुड़ेगा और ये आगे वाले से जुड़ेगा तो ऐसे ही ये एन यूनिट्स बन जाएंगे कितनी यूनिट्स बन जाएंगी बच्चा एन यूनिट बन जाएंगी तो इसे कहते हैं एच पी ओ थ्री देखो एच पी ओ थ्री एन ठीक है और अगर ये साइकिल में आ जाए किस में आ जाए साइकिल में आ जाए तो इसे कहेंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड ठीक है पी फिर ऑक्सीजन फिर पी फिर ऑक्सीजन फिर पी फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ अगर ये ऐसे आ जाए तो इसे क्या कहेंगे मेटा तीन पी थ्री रहेंगे डन है इसके बाद हमें आनी चाहिए इनकी प्रिपेशन तो देखो सिंपल सी बात है मैं आपको प्रिपेशन सिखा देती हूँ प्रिपेशन कैसे करेंगे बच्चा देखो इससे शुरू करते हैं एच थ्री पी ओ फोर पहले हम यहाँ से देखेंगे फिर हम अगले पेज पर पे लिखेंगे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है कम जो बन जिससे हम फॉर्म कर रहे हैं ना उसके भी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी फिर से एक बार अगर आपको ऑप्शन आए कि इनमें से कौन कौन एच थ्री पी ओ फोर बना सकता है तो आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी सेम होगी ना उनमें से प्रोबेबिलिटी है बनने की इसकी प्लस फाइव इसकी भी प्लस फाइव कैलकुलेट करना एच थ्री पी ओ फोर बनता है पी फोर ओ टेन से देखो एच थ्री पी ओ फोर एसिड है और पी फोर ओ टेन इसका एनहाइड्राइड है ऐसे ही एच थ्री पी ओ थ्री अपने एन हाइड्राइड से बनता है एनहाइड्राइड मतलब रिमूवल ऑफ वाटर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री इसकी, इसकी प्लस फाइव इसकी प्लस फाइव दो तो याद हो गए होंगे इनसे पानी निकालोगे तो ये बनेगा और इसमें पानी डालोगे तो ये बनेगा गोल दोनों को कर देती अनस्टेबल होता है रेड फॉस्फोरस स्टेबल होता है व्हाइट फॉस्फोरस से बनने वाला अपना सबसे बेसिक सबसे छोटा सबसे प्यारा कंपाउंड है एचपीओटी वहीं पे रेड फॉस्फोरस से बनने वाला एच फोर पी टू ओ सिक्स अब मैम याद कैसे करें देखो अभी अभी देखा ये भी हाइपो होता है ये हाइपोफोसफोरस एसिड है और ये भी हाइपो है समझो तो सही हर चीज में रिलेशन है आप बोलोगे याद करना पड़ता है नहीं 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 देखो ना ये भी हाइपो है ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है और ऊपर वाला हाइपोफॉस्फोरस एसिड है बोलो हाँ इजी तो हमने चार रिएक्शन बहुत ही इजी तरीके से याद कर लिए हैं अब बचता क्या है अब बचता है पायरो जो पायरो वाला है वो तो सबसे सिंपल है फॉस्फोरिक पायरो फॉस्फोरिक एसिड हीटिंग पे बनता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड फायर फॉस्फोरिक एसिड की हीटिंग पे बन जाता है और पायरोफॉस्फोरस एसिड एच थ्री थ्री वजह से बनता है एच थ्री पी ओ थ्री की हीटिंग पी सी एल थ्री के साथ और जो अपना पॉलीमरिक चेन है वो फॉस्फोरिक एसिड से ही बनती है बी आर टू के साथ हीट करने पे लिखें एक बार देखो आसान है एच थ्री पी ओ फोर और एच थ्री पी ओ थ्री कैसे बनेगा एच थ्री पी ओ फोर बनता है पी फोर ओ टेन से पेंटा ऑक्साइड प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर डाल के ईजी और एच थ्री पी ओ थ्री बनता है पी फोर पी टू ओ थ्री इसके एनहाइड्राइड से वाटर डाल के ये भी आसान है उसके बाद हमने बोला जो दोनों हाइपो हैं इसका हाइपो है एच थ्री पी ओ टू और इसका हाइपो पायरो वाले स्ट्रक्चर से बनता है एच फोर पी टू ओ सिक्स ये वाला बनता है छोटू सा है रेड फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस में एल अल... ओ गलत हो तो गया ये वाला तो स्टेबल नहीं था ना व्हाइट फॉस्फोरस से बनता है किससे बनता है बच्चा व्हाइट फॉस्फोरस से ये बनता है वाइट फॉस्फोरस से उसमें कोई भी एलकली डाल दो और ये बनता है रेड फॉस्फोरस से इजी हो गया याद अगर हम बात करते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड की एच पी ओ थ्री एन तो ये किससे बनता है ये बनता है एच थ्री पी ओ थ्री को बी आर टू की प्रेजेंस में हीट करने के बाद इतना समझने के बाद बस दो बचे कौन कौन से पायरो वाला एच फोर पी टू ओ सेवन और एच फोर पी टू ओ फाइव ये तो है पायरोफॉसफोरिक एसिड और ये है पायरोफॉस्फोरस एसिड ये किससे बनेगा ये बनेगा अपना H3PO3 को हीट करने से H3PO4 को हीट करने से सिंपल और ये बनेगा H3PO3 को हीट करने से बस इसमें PCl3 फ्यूज कर देते हैं हो गई रिएक्शन याद एक बार और रिवाइंड करके वीडियो देखना टू एक्स में देखना वन पॉइंट फाइव एक्स में देखना पर आपको एक साथ ये याद हो जाएगी ये मेरा प्रॉमिस है अगर नहीं याद होती तो कमेंट बॉक्स में लिखना ये होने के बाद इन क्वेश्चन इन रिएक्शंस को अपनी कॉपी में चार से पाँच बार लिखना एक बार कर लो एक बार दिमाग में सेट हो गई तो फिर दो तीन हफ्ते बाद भी करोगे एक बार और कर लेना दो तीन हफ्ते बाद ये दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी तो इसी के साथ गुड नाइट एवरीवन टेक केयर हंसते रहो मुस्कुराते रहो खूब सारी पढ़ाई करते रहो बाय बाय